सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, अभी ऑफ के बटन पे अभी इसको हम ऑन करेंगे, ऑन का बटन कर दिया है, अभी हम इसको मशीन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो चुका है मशीन अपना, साइलेंट है, इतना कोई आवाज भी नहीं कर रही है मशीन। अभी यहाँ पे हम गन्ना लगाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं गन्ना शुगर के हम यहाँ पे लगा रहे हैं, कितनी आसानी से खींच रहे हो और जूस कितनी आसानी से निकल रहा है दोस्तों, आप देखिए इसका जो वेस्टेज है, पीछे से वेस्टेज निकल रहा है दोस्तों, आप देखिए पूरा ये 90% क्रश करे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2023 के एडवांस फंक्शन वाले शुगर केन मशीन ऑटोमेटिक गन्ना जूस मशीन लॉन्च कर दिए डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी ने, एकदम स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज की मशीनरी है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों बैटरी से चलने वाली शुगर केन मशीन, होंडा इंजिन से चलने वाली शुगर केन मशीन और इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली शुगर केन मशीन, आपका जैसा रिक्वायरमेंट वैसी मशीन डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी के पास अवेलेबल है। वैसे तो हमारे पास टोटल 20 मॉडल शुगर केन मशीन के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये वीडियो के अंदर हम आपको आज 3 अलग अलग स्टैंडर्ड और परफेक्ट मशीन दिखाऊंगा जो हमने 2023 में लॉन्च की है। सबसे पहली मशीन है बैटरी से चलने वाली शुगर केन मशीन। अगर आपके पास बैटरी को चार्ज करने का सगवरता है, उपलब्ध ही है, आप उसको चार्ज कर सकते हो, तो आप बैटरी वाली शुगर केन मशीन ले सकते हो। दूसरी मशीन है दोस्तों शुगर केन मशीन होंडा इंजिन वाली, जो पेट्रोल से चलने वाली है, 1 लीटर पेट्रोल में 2 घंटे तक का कंटिन्यू बैकअप देगी। अगर आपको पूरे दिन में 10-10 मिनट चालू करके चलानी है तो 1 लीटर में पूरा दिन भी चला सकते हो ये मशीन को। और एक मशीन है इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है, जिसके अंदर 220 वोल्ट का आपको पावर देना है। अगर पावर नहीं देते हो तो दोस्तों बैटरी इन्वर्टर से भी आप इसको चला सकते हो मशीन को। तो चलिए दोस्तों आपको पहले से वीडियो देता हूं, ऑपरेट करके चला के दिखाता हूं कैसे मशीन ऑपरेट होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बैटरी वाली मशीन की ऑपरेटिंग बताऊंगा। यहां पे फिलहाल कोई तार लगानी है, बैटरी इसके अंदर कनेक्ट है। एक बार बैटरी चार्ज करने से 4 से 5 घंटे का आपको बैकअप मिलता है। मशीन के अंदर ही बैटरी लगाई है, आपको अलग से उसको कैरी ऑन या घुमाने का जरूरत नहीं है दोस्तों। मशीन को स्टार्ट यहां से किया जाता है, थोड़ा यहां से दिखाइए हमारे कस्टमर को। ये स्टार्ट करेंगे, यहां से आपको डिस्प्ले भी स्टार्ट होगा कि आपका मशीन का बैटरी कितना चार्ज है। फिलहाल मशीन यहां पे स्टार्ट हो चुका है, इसका भी रोलर घूम रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर हम गन्ना लगाएंगे दोस्तों। हमारे पास शुगर केन मशीन हाथ में ही पड़ा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये शुगर केन मशीन हमने लगा दिया है मशीन के अंदर। लगा के छोड़ देना है दोस्तों, आपको पकड़ के रखना नहीं है। ये शुगर केन को हमने लगा के छोड़ दिया है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रशिंग ले लेगा शुगर केन, ऑटोमेटिकली खींच लेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली खींच रहा है शुगर केन। और यहाँ पे जूस गिर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर जूस गिर रहा है। यहाँ पे पीछे इसका वेस्टेज निकल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा कचरा गिर रहा है यहाँ से, पीछे वेस्टेज आ चुका है यहाँ पे पूरा, ये इसका कचरा है, वेस्टेज आ चुका है। उसके बाद अभी हम मशीन को बंद कर देंगे दोस्तों, और हमारे पास जो ग्लास पड़ा है उसमें से फ्रेश क्लीन और नेचुरल शुगर केन का जूस निकालेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं एकदम ताजा और क्लीन गन्ने का जूस निकल रहा है दोस्तों। इसको कोई गालने की भी जरूरत नहीं है, छानने का भी कोई जरूरत नहीं है। ये मशीन बैटरी ऑपरेटेड है दोस्तों, एक बार चार्जिंग करने के बाद 4 से 5 घंटे तक ये मशीन को आप ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो। एकदम फ्रेश क्लीन और हाइजेनिक जूस मशीन के अंदर से निकला है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मॉडल आएगा, आपको अगर इसका साइज चाहिए तो मैं साइज भी आपको बता देता हूँ, कितना साइज है मशीन का, कॉम्पैक्ट साइज, आप कितने एरिया में इसको रख सकते हो। अगर कोई ट्रॉली है, रिक्शा है, साइकिल में लगाना है तो आप रख सकते हो। 13 इंच का चौड़ा है इसका, 13 इंच का इसका हाइट आप नापेंगे तो जमीन से लेके ऊपर तक का हाइट रहेगा। अराउंड 23-24 इंच का हाइट है इसका, 23-24 इंच इसका डिप्ट गिनेंगे बाहर से लेके अंदर तक का, तो 12 इंच का डिप्ट है दोस्तों। 12 ये साइज के अंदर आप कहीं पे भी मशीन लगा के अपना एक आसानी से बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। 1 किलो गन्ने के अंदर दोस्तों 700 से 750 ग्राम तक आप जूस निकाल सकते हो। नेक्स्ट मॉडल है हमारा इंजन वाला, होंडा इंजन वाला है, होंडा कंपनी का इंजन लगा है दोस्तों। 1 लीटर फ्यूल के अंदर 2 घंटे का बैकअप आसानी से मिलता है। ऑलरेडी हमने इसमें ऑयल भी लगा दिया और ऑलरेडी फ्यूल भी लगा चुका है, सिर्फ हम इसको दूरी खींच के इसको चालू करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास ये दूरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, अभी ऑफ के बटन पे अभी इसको हम ऑन करेंगे, ऑन का बटन कर दिया है, अभी हम इसको मशीन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो चुका है मशीन अपना, साइलेंट है, इतना कोई आवाज भी नहीं कर रही है मशीन। अभी यहाँ पे हम गन्ना लगाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं गन्ना शुगर केन यहाँ पे लगा रहे हैं, कितनी आसानी से खींच रहे हो और जूस कितनी आसानी से निकल रहा है दोस्तों, आप देखिए इसका जो वेस्टेज है, पीछे से वेस्टेज निकल रहा है दोस्तों, आप देखिए पूरा ये 90% क्रश करेगा, बैटरी वाला 97% क्रशिंग करेगा दोस्तों। अभी दूसरा गन्ना भी हम लगाएंगे दोस्तों, लगा के आपको छोड़ देना है, इसको पकड़ के नहीं रखना है दोस्तों, लगा के छोड़ देना है। देखिए फ्रेश क्लीन जूस निकल रहा है, बेहतरीन क्वालिटी का,
कितना ताजा और फ्रेश जूस निकल रहा है मशीन के अंदर से। अभी हम मशीन को बंद कर घर नहीं रखना पड़ता है, इसमें गाल गल चुका है स्पेशली। अभी हम इसमें से फ्रेश और क्लीन जूस गिलास में निकाल के आपको बताएंगे दोस्तों। अब देखिए एकदम क्लीन और फ्रेश जूस निकला है, बेहतरीन क्वालिटी का, एकदम ग्रीन कलर का, हरा कलर का जूस है, जरा भी काला और ब्लैक नहीं पड़ा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अलग से बर्फ डालना है, कोई मसाला डालना है तो ऊपर से ऐड करवा के आप दे सकते हो दोस्तों। तीसरे नंबर का जो मॉडल है दोस्तों हमारा, यहाँ पे थर्ड नंबर का इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली 220 वॉट 240 वॉट से चलने वाली मशीन है। इसको आप बैटरी इन्वर्टर लगाना है तो 600 से 700 वॉट का इन्वर्टर और सिंगल बैटरी से रोजाना 10-12 घंटा चला सकते हो। मशीन का बटन यहाँ पे स्विच करने से स्टार्ट हो जाती है मशीन। यहाँ पे कितना वोल्टेज कितना पावर है दिख रहा है, ये बटन दबाने से मशीन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे लाइट दिख रही है कि आपकी मशीन चालू हुई। उल्टा घुमाने के लिए रिवर्स का बटन है तो रिवर्स भी स्टार्ट हो सकती है मशीन। अभी हम इसमें भी एक गन्ना लगा के आपको दिखाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं शुगर कैन भी हम इस यहाँ पे थोड़ा लगाएंगे जिसके जूस नीचे ना गिरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जूस बेहतरीन क्वालिटी से निकल रहा है इसके अंदर से, ट्रे में से एकदम फ्रेश क्लीन और हाइजेनिक जूस निकल रहा है मशीन के अंदर से। आप देख सकते हैं जूस निकल चुका है, ऑटोमेटिक है दोस्तों। वन टाइम क्रशिंग, एक ही बार गन्ना डालना है, बार बार घुमा घुमा के डालने का जरूरत नहीं है, वन टाइम क्रशिंग वाला रेशियो है। प्लस मशीन की खासियत है 304 स्टेनलेस स्टील से बनाई गई मशीन है। रोलर इसके अंदर जो लगाए एकदम अखंड और सॉलिड रोलर लगाए, जो रोलर अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं इस टाइप का रोलर मशीन के अंदर लगाया हुआ है, अखंड है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा शाफ्ट के ऊपर रोलर को मैक किया हुआ है। तो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी, प्राइस, मशीन के साथ क्या क्या फ्री में मिलता है, क्या क्या चीज चाहिए, हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन जानने के लिए डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। तीन मशीन की आप डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।